नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने समाधि स्थल पर वीरांगना को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान बीएल संतोष और विष्णु दत्त शर्मा ने समाधि स्थल का निरीक्षण भी किया। उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी भी मौजूद रहे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आने का मौका मिला। बीडी शर्मा ने कमलनाथ के न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले ट्वीट पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस की यही फितरत रही है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। आपको बता दें, कमलनाथ ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि भाजपा ने चुनी ही सरकारें गिराकर कुर्सी की भूख मिटाई है। इसके साथ ही कमलनाथ ने यह भी लिखा कि अदालतों की अल्प इच्छा शक्ति खरीद फरोख्त की संजीवनी देती है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह पलटवार किया। लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, हम लोगों ने आज उन्हें यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ आने का अवसर मिला है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।